Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए. कृपया विराजमान हो जाइए. अर्चना जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. तू भी चमक रहा है येलो में. ओ थैंक्स बेबी. मैं दर्शकों आज आपको एक परम सत्य बताना चाहता हूँ. अच्छा. ऐसा कहा जाता है कि मियां बीवी के रिलेशनशिप में प्यार और लड़ाई हो तो रिश्ता जो है अच्छा रहता है. जैसे हमारी अर्चना जी और परमीत सर का है. प्यार और लड़ाई चलती रहती है. yes. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ. वो प्यार करते हैं, ये लड़ाई करती रहती है. उन्होंने खुद मुझे बताया, कहते हैं जो तकिया होता है ना, मैं सर के नीचे ज्यादा छाती पर रख के सोता हूँ ताकि कभी भी मौका आ सकता है. उनको तो लड़ाई की इतनी आदत पड़ गई है ना, जिस दिन ये नहीं लड़ती हैं, आपको पता, वो फोन करके मेरे से पूछते हैं क्या? कहते हैं नाश्ता तो दो बार करके गई, लड़ाई एक बार भी नहीं करके गई. वो ठीक तो है. और आज मैं लड़ाई और प्यार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोनी लिप पे एक मजेदार सीरीज चल रही है, जहानाबाद ऑफ लव एंड वॉर. तो चलिए उसकी कास्ट को यहाँ पे बुलाते हैं जोरदार तालियों के बीच. प्लीज वेलकम मिस्टर ऋत्विक, भौमिक, हर्षिता, गौर, परमव्रता एंड मिस्टर सुधीर मिश्रा. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सुधीर सर, वेलकम बैक. थैंक यू सुधीर सर. अभी हाल ही में तनाव के लिए आए थे, इस बार जहानाबाद के लिए आए. सोनी से आपका मैंने देखा काफी लगाव है, तो सोनी से ज्यादा मोहब्बत होगी कि सोनी पे काम करने वाले दिल आ गया आपका? मतलब सर वैसे तो आप काफी सारी चीजें बना रहे हैं, लेकिन जितने आपके खूबसूरत लंबे बाल हैं, आपको लगता है टाइम निकाल के शैम्पू का एडवर्ट भी कर लेना चाहिए? वो रिटायरमेंट से पहले कर लेना चाहिए थोड़ा घर वर्क के लिए. नहीं अच्छी बात है, कोई देते ही नहीं है. तुम रिकमेंड करो ना. मेरे को खुद नहीं कोई ले रहा सर चैट में. पर हाँ मेरा दूसरा काम चल रहा है, मैंने आज का म्यूजिक वीडियो करने शुरू कर दिया. सो आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स गाइस. परमव्रता साहब को आप बाखूबी जानते हैं, कमाल के एक्टर हैं. मैंने पहली बार कहानी फिल्म में आपको देखा था सर, उस दिन से आपका फैन हो गया था. थैंक यू. और ये हमारे शो पे पहली बार आए हैं. इतने मल्टी टैलेंटेड है. मैं इनके बारे में बता दूं कि इनके जो नाना महान फिल्म मेकर ऋत्विक घटक, जिन्होंने दिलीप साहब के साथ मधुमति बनाई थी, इनके पेरेंट्स जो हैं वो फिल्म क्रिटिक रहे हैं और ये खुद अच्छे एक्टर तो हैं, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं. तो आपके मन में ये कब आया कि ये सब मोह माया, असली मजा तो कपिल शर्मा शो में ही है? ये ख्याल आपके मन में किस दिन आया था? अब ये सोनी वालों ने बोल दिया कि वहीं पे असली मामला है, तो हमने भी सोचा कि अभी चले जाते. चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के. और परमव्रता को ना क्राइम और सस्पेंस बहुत ज्यादा पसंद है. या तो ये फिल्मों में क्राइम रोकने वाले बनते हैं या क्राइम कर रहे होते हैं. कभी ये गवाह नहीं बने कि मैंने देखा कत्ल किसने किया. तो आज आप हमारे शो पे प्रमोशन के लिए आए हैं कि डिटॉक्स के लिए आए, जो क्राइम आपने इतना किया है? हंसना है सर आज मुझे. बहुत बहुत धन्यवाद. ऋत्विक का हमारे साथ पता नहीं क्या कनेक्शन है, हमने दो बार इनको इनवाइट किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी, कहीं ये बिजी थे, आ नहीं पाए. आज फाइनली आपकी मुराद पूरी हुई. थैंक यू. सच में मेरे जेन्युइनली मेरी भी मुराद पूरी हुई, मेरे पापा की भी मुराद पूरी हुई. सो थैंक यू. शुक्रिया ब्रदर. थैंक यू. ऋत्विक जहानाबाद से पहले बंदिश बैंडिट्स, मॉडर्न लव, विसल ब्लोअर, इन सब में ये स्टूडेंट थे और इस जहानाबाद सीरीज में ये प्रोफेसर बने हुए हैं. ये रोल की डिमांड थी कि आपकी रूटीन प्रमोशन हुई है कि बंदा बड़े दिनों से स्टूडेंट चल रहा था? सर पता नहीं, ऑनेस्टली पहली बार मुझे लगता है ऑडियंस रिएक्शन से भी ये लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस हुआ है स्टूडेंट से टीचर तक, तो ये प्रमोशन में अभी इस वक्त तो काफी एंजॉय कर रहा हूँ. पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी तक नहीं देख पाया क्योंकि कल मेरे को छुट्टी है, कलर परसों, मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ. मैंने कल ही आपका लास्ट एपिसोड देखा. आई हैव टू से कैरेक्टर नेम्स आई रिमेम्बर, दीपक, कस्तूरी, एंड इट इज सच अ प्लेजर टू वॉच योर सीन. थैंक यू मैम. थैंक यू. ब्यूटीफुल. थैंक यू. थैंक यू सो मच. अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है, इंसान फ्री हो ना तो जैसे सीरीज आए पहले ही देख लेता है. ये भी ऊपर वाले का कर्म है, हमें फिर दिन ढूंढने पड़ते हैं. किस्मत बोलते हैं जो भी कह लो आप. हर्षिता आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. पहली बार आई, इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया है. थैंक यू. जैसे सेक्रेट गेम्स, मिर्जापुर, कानपुर, ये पंचबीट और अभी जहानाबाद. अच्छा लोग पढ़ लिख के ना टीटी बनते हैं, आपको लगता है आप पढ़ लिख के ओटीटी पे लग गई है? हाँ अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ मतलब अब मैं क्या बोलूँ, हाँ ओटीटी में लग के ऐसा लग रहा है कि यही एग्जाम है, देते रहो और कोशिश है कि थोड़ा कुछ अच्छे स्कोर्स मिले, रिजल्ट मिले, एंड दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट्स. तो मैं बहुत खुश हूँ.
आप बड़ी प्यारी लग रही हैं पता? Thank you. इस ड्रेस में इतनी प्यारी लग रही हैं ऐसा लग रहा है चाबी देंगी तो ऐसे ऐसे करना शुरू करेंगी. आइए बहुत बहुत स्वागत है कृपया विराजमान हो जाइए. Thank you. हर्षिता को इस सीरीज में ना अपने कॉलेज के प्रोफेसर ऋत्विक से मोहब्बत हो जाती है. रियल लाइफ में आपको कभी अपने टीचर पे क्रश हुआ है हर्षिता? कभी नहीं. मुझे फीमेल टीचर्स पे क्रश हुआ है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल या वो सब बड़ा अच्छा लगता था. अच्छा. पर किसी मेल टीचर पे नहीं हुआ. आई थिंक डिडंट कम अक्रॉस एनीवन एज गुड एज अभिमन्यू इन द शो. वेरी गुड स्मार्ट गर्ल. साथ साथ प्रमोशन भी चल रही है. नहीं मतलब चलो उन दिनों नहीं हुआ उसके बाद अब आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं. पर अब तो टीचर कहाँ है? नहीं टीचर ना सही इंसान तो है ही. दुनिया में पैदा तो हो ही रहे हैं लोग. तो आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं फालतू बातें करता हूँ मैं. 10 साल हो गए मेरे को. मेरा ऐसे चल रहा है. क्वेश्चन सुधीर सर आपको कभी किसी पे क्रश हुआ है कि बाल धूप में सफेद हुए? दो ढाई शादियों के बाद सफेद हुए. नहीं अर्चना जी मेरे को कह रही थी सुधीर की आंखें बहुत सेक्सी हैं ऐसे बोल रही थी आपके आने से पहले. ऐसी बातें करती हैं ये. मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं मैं डायरेक्टली सुधीर को बोल ही दूंगी. हाँ देखा शर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है. अच्छा इस सीरीज में देखा होगा कि जो परम है ये पुलिस की मार खा रहे हैं दूसरी तरफ ऋत्विक और हर्षिता रोमांस कर रहे हैं. तो आपने डायरेक्टर से कहा नहीं कि सीरीज का नाम जहानाबाद लव एंड वॉर है तो सारी वॉर क्या मेरे हिस्से में रखी है? जी. कि मेरा कोई बैकग्राउंड मांगा था सर. मैंने तो एक तो हीरोइन मांगा था सर लेकिन मिली नहीं मुझे. सेकंड सीजन देयर इज ऑलवेज अ सेकंड सीजन में आ सकता है. हां शायद अगर सेकंड सीजन बनाते हैं तो मतलब. हाँ. बिल्कुल बनेगा सर. फर्स्ट सीजन को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अच्छा हर्षिता का जब डेब्यू शो आया था ना साडा हक उसमें ये कॉलेज स्टूडेंट बनी थी. 9 साल बाद जहानाबाद में फिर ये कॉलेज स्टूडेंट का रोल कर रही है. नॉर्मली लोगों का कॉलेज 3 साल में खत्म हो जाता है. आपको पढ़ाई का शौक ज्यादा है या आपको लगता है कि कॉलेज खत्म हो गया घर वाले शादी करा देंगे? नहीं मुझे एक्चुअली मेरे मॉम डैड को लगता था मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ तो मैं आईएएस वाईएएस कुछ बनूंगी. मैं एक्टिंग में आ गई तो आई थिंक वो बड़े खुश होते कि अभी तक चलो पढ़ाई तो चल रही है कॉलेज स्टूडेंट की तरह 9 साल. पर सीरियसली आप आईपीएस आईएएस बनना चाहती थी? नहीं मैं नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे बनाना चाहते थे. पेरेंट्स का क्या वो तो मेरे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे. उनका पेरेंट्स तो आपके भी साइंटिस्ट बनाना चाहते थे ना. हर्षिता का इस सीरीज में डायलॉग है कि जहानाबाद में जब तक लिनोडो नहीं मिलेगा ये शादी नहीं करेंगे. फिर इनको ऋत्विक से प्यार हो जाता है. तो आपको ऋत्विक जो है लिनोडो से ज्यादा बेहतर लगे कि आपको लगा कि जहानाबाद में इससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता? मुझे अभिमन्यु ज्यादा बेहतर लगे जहानाबाद में. और मुझे लगा कि लिनोडो मतलब देख लेंगे ठीक है. उसके लिए तो मुझे हॉलीवुड बॉलीवुड जाना पड़ेगा. थोड़ा एफर्ट है. एक बार शादी कर लेती हूँ फिर जाएंगे घूमने देख लेंगे उसको भी. देख लेंगे उसको भी उसका मतलब क्या होता है? मतलब हाँ देखेंगे आगे जाके क्या होता है. अच्छा अच्छा ऐसा है. फिलहाल जो मिल रहा है उसको तो जो अच्छा मिल रहा है उस पे तो देखो मतलब आगे बढ़ो. नाइस. दो चार लाइनें और बोलो ना हर्षिता. नहीं देखिए हम सारे लड़के लड़के बैठे हुए हैं हमारी रेटिंग नहीं आती इतनी. आप एक फेस ज्यादा देर टीवी पे रहता ना थोड़ी दो चार छोटी एबीसी सुना दो ऐसे ही. अच्छा छोटी एबीसी को छोटी एबीसी क्यों बोलते हैं और बड़ी एबीसी को बड़ी एबीसी क्यों बोलते हैं? मतलब तो सेम है दोनों का. आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मतलब हर जगह जहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते वहाँ छोटा ए लिखेंगे और बी लिखेंगे. Why am I answering? Yeah, exactly. Why are you answering? देखो हमारे शो में ऐसी बातें होती है. आपको क्या लगता है हम एटॉमिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे? क्या हमारे तो ऐसा ही चल रहा है. देखिए अच्छा चल रहा है लेकिन भगवान जिनको देता है देखो बहुत कुछ करते हैं तो कुछ नहीं होता और जो कुछ नहीं करते तो ये कुछ हो जाता है. देखो ऋत्विक जो है जहानाबाद से पहले मजामा इन्होंने करी थी जिसमें माधुरी जी इनकी मम्मी बनी थी. अच्छा माधुरी जी आपकी मम्मी बनी है इस बात से आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आपके पिताजी को कि चलो एक होता ही ना बंदा कहने को तो हो जाता है मेरे बेटे की मम्मी बनी है माधुरी. वो पिताजी से ज्यादा मस्त थे कि मैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था उस वक्त जब शूट खत्म हो रहा था या रिलीज हो रही थी फिल्म तब एवरी क्रू मेंबर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर डायरेक्टर जितने भी 40+ लोग हैं सबने एक बार पूछा और कैसा चल रहा है शूट. अरे यार कैसे लोग हैं. बट मेरे पापा से ज्यादा मेरी मम्मी बहुत खुश हुई थी. मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है माधुरी मैम की. अच्छा जी. शी वाज वेरी हैप्पी. एक्चुअली उनके सब फैन है इसमें कोई शक नहीं. छत्तीसगढ़ में जहाँ जहानाबाद का शूट चल रहा था ना वहाँ के महाराजा ने हर्षिता और ऋत्विक को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया था. तो ये ना अर्चना जी का ये सवाल था. मैं ऐसे सवाल नहीं पूछता. इनका ये कहना था कि जब आप उनके यहाँ डिनर पे गई तो वो जो नॉर्मली हम लोग स्नैक्स खाते हैं टूथपिक के साथ तो वो भी टूथपिक के साथ खाते हैं कि तलवार के साथ ऐसे पनीर टिक्का खाते हैं? कि इनका सवाल है. लगता है ना कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगी. हाँ जी हाँ जी. तो अपनी शक्ल पे देख. सिंगदाना खत्म हो गया जो आपके काउंटर पे पड़ा था.
अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, सुधीर सर आ गए, ऋत्विक आ गए, ये पूछनी मेरा सिंह दाना आया कि नहीं आया? उससे पहले शूटिंग नहीं शुरू कर सकते आप? 1.5 किलो मूंगफली खा जाती सर एक एपिसोड में। सुधीर सर को ना फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड से नवाजा गया है, पहले जोरदार तालियां। और वो अवार्ड जो है थोड़ा नाम मुश्किल है, इसलिए मैंने क्यू कार्ड पे लिख के रखा है। अवार्ड का नाम है शेवेलियर ऑफ द ऑर्डिनेंस। मैं एक बार फिर से जिनको अभी तक नहीं समझ आया, इलिटरेट लोगों को, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। अवार्ड का नाम है शेवेलियर ऑफ द ऑर्डिनेंस लेटर्स। सर ये अवार्ड के बारे में जब आपसे कोई पूछता है तो आप बता पाते हैं कि सीधा ट्रॉफी दिखाते हैं कि ये देख लो ये है? मैं बोलता हूँ ये पद्मश्री है वहाँ का। पर फिर भी आपने नाम याद करने की कोशिश की सर कभी? शेवेलियर द ऑर्डर द ऑर्ड आर्ट्स एंड लेटर्स, आई कांट प्रोनाउंस द फ्रेंच पार्ट, बट समथिंग लाइक शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ओके, बट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। अच्छा नाइट। पर मजा बड़ा आया पढ़ के, शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर्स एंड आर्ट्स एंड लेटर्स, वाओ। इसके आगे वाला अवार्ड बच्चन साहब को मिला है, लिजनेयर जो है। अच्छा, बच्चन साहब को मिला है, वाह, जो ने दिया। क्या बात है, कितना प्राउड मोमेंट है। सत्यजीत रे को भी मिला। हाँ, सत्यजीत रे को भी मिला। अच्छा, सत्यजीत रे को तो खैर हर अवार्ड मिला था जो फ्रांस में देना मुमकिन है। ऑस्कर वाले चिप्स ले, ऑस्कर वाले चिप्स ले। ओ हेलो, ऑस्कर वाले चिप्स क्या होते हैं? आलू तेरे राजामौली के खेत में उगे? यार कपू शर्मा, एक मैं तुम्हें ना आज बता दूं बात। मेरे से ना आज आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी, आज मेरे कुलीग्स आए हैं। तेरे कुलीग कहाँ से आए बे? क्यों मतलब है? ये भी सोनी पे काम करते हैं, मैं भी सोनी पे काम करता हूँ। अच्छा, उन्होंने एक ही बार में सोनी को 10 घंटे का मजेदार कॉन्टेंट दे दिया, ये 10 एपिसोड में आता 5 मिनट का कॉन्टेंट नहीं देता। तुझे पता तेरी एंट्री होती, लोग दारू पी के देखते हैं कि हो सकता है अच्छा लगे। वो दारू पी के इसलिए देखते हैं क्योंकि मेरी बातें बड़ी चटपटी होती हैं, उनका चकने का खर्चा बचता है। ये जो आप मुंबई की ऑटो बन के बैठे हो पीला काला पहन के, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ इनको। उनको पूछो, उन्होंने तुम्हारी इंट्रोडक्शन लेनी है। यार मैं संतरे का जूस लाया हूं, जो पूछ के दूंगा। तुझे पता जैसे तेरी एंट्री हुई सुधीर सर कहते, देख अभी भी गुस्से में देख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। तो मैं पिछले ना 15 मिनट से देख रहा हूँ, वो तुम्हें भी इसी मुंह के साथ देख रहे हैं। तुम्हारी बार को अलग मुंह। मुझे इसलिए गुस्से से देख रहे, तूने इसको बुलाया कि पीछे फोन कर रहे थे अपने प्रोडक्शन वाले को कि जहानाबाद में जो बम फोड़े एक हाथ बचा है उसके मुंह पे फोड़ना है मेरे को। दो अपना इंट्रोडक्शन क्या देना है सर? माई सेल्फ राजू, और ये आप सुपर टॉकीज देख रहे हैं सर, मैं इसका इकलौता मालिक हूँ। और इकलौता मालिक है जो मालिक के भरोसे कोई है ही नहीं, चलता ही नहीं। एक तो तुम मुझे कम बहुत समझते हो, वो समझो दुनिया में 4 लोग मुझे भी जानते हैं। 4 लोग जानते हैं मुझे पता, 2 तो तेरी मम्मी पापा, 3 तेरा भाई, 4 इंसान का पता नहीं चल रहा सर। चौथा कौन है जो इसको जानता है? चौथे इंसान तुम क्या अपने आप को इंसान नहीं समझते? नहीं, मैं महापुरुष हूँ। बट सर पांचवा मैं, आई एम अ फैन ऑफ योर्स सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा था तुम सच्चे इंसान हो गए। अरे इतना झूठ। मैं लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप मेरे को जानते ही हो तो सर मैं सच्ची बात बता रहा हूं जी। इतना ना गूगल नहीं मेरे बारे में जानता जितना कपिल मेरे बारे में जानता है। आप गूगल पे फालतू टाइप करो इसकी फोटो आ जाती है, अगर आलतू फालतू टाइप करो साथ में इसकी भी आती है। तू मानता है मैं आलतू हूं, तू फालतू है? आलतू फालतू आई बटा तालतू, चल भाग जा। करने के है यार, इधर इतनी इंटेलेक्चुअल बातें हो रही थी यार। मैं महाराजा पनीर टिक्का कैसे खाते और तू आ गया अजीब सी बातें करने। अजीब थोड़ी, मैं इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं। एक्चुअली सर मैं ना एक प्ले कर रहा हूं जी, तो उसका नाम है घोड़े पे आया राजकुमार, तो उसका मैं मेन लीड कर रहा हूं। घोड़ा बना तू? अबे राजकुमार बनाऊं तो घोड़ा मान गया इस बात के लिए? यार मैं घोड़े की परमिशन क्यों लूंगा जब डायरेक्टर ने मुझे देखते ही बोल दिया कि तुम मेरे घोड़े हो। क्या अबे तुम मेरे राजकुमार हो, तो मजबूरी आखिर है क्या? यार मजबूरी नहीं है, ये मेरा पैशन है। तेरा नहीं डायरेक्टर की क्या मजबूरी जो तुझे राजकुमार लिया? देख अगर डायरेक्टर तेरे को राजकुमार समझ रहा है, हाँ। एक बार घोड़ा फिर कंफर्म कर ले, वो घोड़ा है कि गधा है? क्योंकि अगर तू राजकुमार है तो मेरे को घोड़े पे डाउट है। सर ये ऐसे इधर उधर की बातें कर रहा है, हम 5 मिलके इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं? प्लीज सर आप देखिए, ये देखिए सर, प्योर वेब सीरीज वाला चेहरा मेरा एक्चुअली। प्योर प्योर ये तो है सर, इसका चेहरा देखते गालियां आती दिमाग में, वेब सीरीज वाला तो है वो। मेरा सर थोड़ा डार्क इंटेंस फेस है, हाँ। इसलिए आपको पता अनुराग कश्यप सर आए थे
एक हफ्ता पहले सर आते ही उन्होंने मुझे सीधा साइनिंग अमाउंट दिया वो शाइनिंग अमाउंट था तूने उनकी गाड़ी धोई थी इसलिए ये सर आपको पता है इसने एनएसडी से स्पेशली कार वॉशिंग का डिप्लोमा किया है कौन सी सर है कोई ऐसी एनएसडी जो आपको कार पंचर लगाने सिखाती हो हवा भरनी वॉशिंग एनएसडी का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है नल्ला स्टूडेंट डिपार्टमेंट उसमें वो गाड़ियां धोनी भी सिखाते हैं सर मैं वैसे सच में जाता हूं मैं जो भी एक्टिंग के नौ रस हैं वो मुझे सब पता है गन्ने के रस का तो तेरे को पता नहीं उस दिन रेडी वाले को जाकर बोला ये जो मीठा बांस है इसका पानी निकाल के मेरे को पिला दो उसने इसकी पीठ पे दिया मीठा बांस क्यों हमारे मेहमानों को डिस्टर्ब कर रहा है सुधीर सर आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं एक बार इसको कट तो बोल दो कर हाँ चलो अब नहीं बोलना अब मुझे तो कट बोला तेरे लिए डंडा मंगवा रहे हैं वो सर आप मेरी आंखों में देखिए सर आपको एक मत देखना सर आपका कुछ ना कुछ दान करने का दिल करेगा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अभी ये डॉक्टर को आंखें दिखाने गया उसने आई ड्रॉप के साथ साथ दो रोटियां भी दी इसको पता नहीं इसका क्यों मुंह चैरिटी वाला है देख तेरे को मुंह से इतनी प्रॉब्लम है दो दो मुंह लेके आए जो पसंद है वो रख ले आज सर इसको एक्टिंग का पता नहीं है सिर्फ इसको आता मजाक करना सर आप मेरी आंखों में देखिए आपको इमोशन नजर दूर रहे उनसे दूर रहे उनसे ज्यादा पास नहीं जाना बड़े डायरेक्टर दूर रहे यार दूर ही हूं मैं क्या इनकी गोद में बैठा हूं इतनी दूर गोद में तो तेरी मम्मी ने नहीं लिया जब तू पैदा हुआ मैं आपको बात बताऊं सर ये आदमी पैदा हुआ ना जब तो नर्स लेके आई ऐसे कहती है किसका बच्चा है आपका है कहती ये लो इसका बाप कहता नहीं नहीं मेरा नहीं है डॉक्टर के पास गया डॉक्टर कहता मेरा भी नहीं है वॉलीबॉल खेलना शुरू हो गए वो ये झूठ बोलता है सर जब ये पैदा हुए ना जी शट अप मैं असेंबल किया गया था आई एम इम्पोर्टेड नहीं नहीं सैंपल भी नहीं हुआ था इनकी मम्मी ने शॉपिंग ज्यादा कर ली थी स्क्रैच कार्ड निकला था रगड़े तो बीच में से ये निकला मेरी मम्मी शॉपिंग करने जाती नहीं बात ही खत्म पर प्रॉब्लम पता क्या है सर पैदा मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार किया इस बंदे ने कम से कम 150 बार पैदा कर दिया मेरे को कितने तरीके तुम्हारे पता है पैदा कर लो जितनी बार करना जा बैठा हूँ एक बार तू हो गया हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा दोबारा तेरे को पैदा करें हम यार तुम्हें मेरे पे डाउट है कोई देखो अगर तुम्हें डाउट है ना देखो हर्षिता जी बैठी है हर्षिता इनके साथ मेरा ना एक रोमांटिक सीन करवा दो मैं तेरी हाय हेलो ना करवाऊं उसके साथ रोमांटिक सीन तेरा तू कहां से तुर लगता है रोमांटिक हीरो मैं कितना शार्प है मेरा फेस देख वो तो गरीबी की वजह से हो गया हर्षिता जी मैं सच में कह रहा हूं कि सुधीर सर ने आपके साथ काम किया है आपको सब पता है कि उनको कैसा एक्टर चाहिए अगर आप एक गरीब का भला करेंगी ना एक डायलॉग सिर्फ मेरे साथ प्लीज 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 आइए एक डायलॉग ओए होए बड़ी देर बाद पुरानी फिल्में याद आ गई जिसमें अमीर घर की लड़की को रिक्शा वाले से प्यार हो जाता है हर्षिता पारो पारो हर्षिता जी पारो बाबूजी कहते हैं घर छोड़ दो मैं अकेला नहीं इसका बाप भी इसके खिलाफ है आप देख लो बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो यार पहले मेरी बात सुन तो लो तू अपने बाप की नहीं सुनता हम तेरी क्यों सुने जब उन्होंने कहा घर छोड़ दो घर क्यों नहीं छोड़ता तू तो बैठ सर इसको प्लीज कट बोल दो जरा ऑडिशन हो रहा है यार पारो हर्षिता बाबूजी कहते हैं कि घर छोड़ दो पारो कहती है कि शराब छोड़ दो माँ कहती है कि हवेली छोड़ दो किसी ने ये नहीं कहा एक्टिंग छोड़ दो किसी ने नहीं कहा तुम्हें जो मेन बात कहने वाली थी वो किसी ने नहीं कही ना पारो ने कही ना माँ ने कही ना बाप ने कही मैं ना अपने गुरु का डायलॉग बोलने लगा हूं कौन से गुरु का है एक गुरु मेरे अच्छा। उनका डायलॉग इशारा तुम्हारी आंखों की नमकीन मस्ती गुरु ने खुद आना तुझे मारने ये जो तुमने बात की ना पाजी आप वेब सीरीज में कम पिटे हो इधर 10 मिनट में मुझे उतना पीट देते ज्यादा पिट रहे हो आप हाँ। हाँ। सही बात है सर बोलने दे भाई मेरे सर्दियों में ऐसे सिंघाड़े मिलते हैं हमारे उधर अमृतसर में ये देखो रोमांस कर रहा है तेरी आंखों की नमकीन मस्ती और तेरी आंखों का ये कीचड़ तू इतनी खूबसूरत लड़की के आगे खड़ा हर्षिता ज्यादा पास मत जाओ ये काट भी लेता है इनको काटा था 150 इंजेक्शन लगा इनको तब से ये इतना बोलते हैं हाँ डॉक्टर कहता कुत्ते ने काटा था 14 लगते हैं इसकी वजह से 150 लगे तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां तेरी होंठों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान सिक्योरिटी इसको तब तक मारो जब तक है प्राण ये हटेगा नहीं फालतू में परेशान कर रहे हैं हर्षिता सॉरी आप प्लीज बाहर मिलना मैं बाहर ऑडिशन दे दूंगा इस बंदे ने नई ऑडिशन लेने देना मेरे को थैंक यू वेरी मच एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो जाए आइए सर
और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जहानाबाद लव एंड वॉर ये आप सीरीज देखिए, बड़ी कमाल की मजेदार सीरीज है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके तमाम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। अर्चना जी, लव एंड वॉर के बाद अब बात होगी सिर्फ वॉर की। ओटीटी पे एक जबरदस्त धमाकेदार शो की, जहां इंडिया के जाने माने रेसलर्स बड़ी ही एंटरटेनिंग जंग में उतरने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं इस शो के होस्ट को, प्लीज वेलकम फिट एंड फंटास्टिक मिस्टर सुनील शेट्टी। अन्ना आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मुबारक आपके सिंगल के लिए, आने वाले फिल्म के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू अन्ना, और थैंक यू इतने खूबसूरत ट्वीट के लिए, आपने हमेशा ही एनकरेज करते हो। थैंक यू अन्ना। आपको पता, मैं ना 2-3 दिन से एक्सरसाइज मिस हो गई थी, पता चला आप आने वाले हो, मैंने कहा आज कैसे भी करके जाऊंगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती है जब भी अन्ना को देखते हैं। अन्ना बहुत बहुत मुबारक आपको बेटी की शादी की। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे थे अन्ना को इनवाइट करने की, लेकिन बहुत व्यस्त थे शादी में, तो इसलिए आ नहीं पाए। अच्छा, हमसे ज्यादा अर्चना जी टेंशन में थी, पूछ रही सुनील क्यों नहीं आ रहा है। आपको पता ना, इंडस्ट्री में शादी किसी की भी हो, बुआ का शगुन इन्हीं को जाता है। कल मेरे को पूछ रही थी, कहती मैं किसी ना अपने फ्रेंड सर्कल में किसी शेट्टी को फोन करके पूछूंगी कि शेट्टी लोगों में शगुन देते हैं या सोने की कोई ज्वेलरी देते हैं, इनको दे देना अन्ना आप। नहीं पता क्यों, हम लोग इडली वड़ा का कूपन देते हैं। चलेगा। But Sunil, how fit are you looking? Thank you so much. Even better than earlier. Thank you. सीख कुछ। आप सीखो। क्या इनके इनके habits आजकल तो he's very conscious. Yeah. जहाँ देखो तो खाली ये और ये और it's a complete It's a rock star. But ये पेट अंदर करके फोटो खिंचा रहा है। अरे ये तो इसकी वजह से लग रहा है। He's lost weight, but यहाँ से यहाँ हुआ है। और ये जो आपने चादर पहनी हुई है, ये भी मुझे पता क्यों पहनी आपने। अच्छा, अन्ना को देख के यकीन नहीं होता ये फादर इन लॉ बन गए, ससुर बन गए। देखो आप इतना मेंटेन किया, मुझे तो लगता है दाढ़ी में जो सफेद सफेद बाल है ना, इन्होंने जानबूझ के छोड़े थे ताकि बारात जो आई उनको पता चल जाए कि यही है लड़की के पिता। अन्ना, किसी ने आके डिमांड नहीं की कि एक बार डायलॉग हो जाए कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अच्छा, ये मेरे को बोल रही थी अर्चना जी, खाली छोटी सी रिक्वेस्ट थी, कहती वो अंजलि हटा के अर्चना डाल के उसमें एक डायलॉग इनके लिए बोल दे कि अर्चना तुम मुझे भूल जाओ ऐसा। शुरुआत तो इन्हीं के साथ हुई थी, मेरी एड करियर इनके साथ शुरू हुई थी। सीरियसली? एब्सोल्युटली। और परमीत सर उल्टा बोलते हैं कि अर्चना तुम मुझे भूल ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मैं तो तुम्हें भूलना चाहता ही हूँ। अन्ना, जब आपको अथिया ने राहुल से घर पे मिलवाया था या ऐसे टीवी पे बताया था कि पापा ये जो लड़का चौके छक्के मार रहा है यही आपका होने वाला दामाद? वैसे ही कुछ हुआ था। लेकिन एक्चुअली पहले मैं राहुल को मिला था। अच्छा। और एयरपोर्ट में मिला और जाके मैंने बोला अथिया और माना को कि यू नो आई मेट राहुल, क्योंकि आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिज, आई एम स्टिल फैन ऑफ हिम। या और मैंगलोर का लड़का है तो खुश था मैं कि यू नो मैंगलोरियन बॉय डूइंग सो वेल। तो मैंने घर पे जाके कहा आई मेट हिम, इज अ वेरी इंप्रेसिव बॉय। तो दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बेटी ने माँ को ऐसे देखा और माँ ने बेटी को ऐसे देखा। अच्छा। और कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से माना कम्स एंड टेल्स मी यू नो दे आर एटलीस्ट टॉकिंग टू ईच अदर नाउ, देयर इज नथिंग मोर, देयर इज नथिंग मोर। तो मुझे लगा कि हाँ, माँ को जाके उसने बताया लेकिन पापा को बताया नहीं। आप देखिए ना, मैं हमेशा कहता था उससे कि यू नो बेटा, यू शुड लुक फॉर नाइस साउथ इंडियन बॉय, साउथ इंडियन बॉय, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई थिंक जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, राहुल हाउस इज हार्डली 3 or 4 kilometers अवे एट दैट डिस्टेंस। वाओ, वंडरफुल, क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा अन्ना, खुद तो एक्शन हीरो हैं ही, और अब ये एक्शन से भरपूर शो लेके आए हैं जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स आपको देखने का मिलेगा। अन्ना, इस शो के बारे में कुछ बताइए ना विस्तार से हमारे देखिए। फर्स्ट टाइम द सर्च फॉर इंडिया टॉप मोस्ट फाइटर्स, मेरा मानना है कि इंडिया में इतनी टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, बड़े बड़े लीग्स, UFC हो, ब्रेव हो, वन जैसे लीग्स में हिस्सा लेने का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने कुछ ऐसे बच्चों को चुना और उन्हें ट्रेन किया जो कि आधे तो
नेचर ट्रेंड है, पहाड़ों में ट्रेन करते हैं, पेड़ के साथ कॉन्टैक्ट करके कंडीशनिंग करते हैं. तो ये मौका है उन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का. एंड आई थिंक वी अनर्थ सम अनबिलीवेबल टैलेंट. क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कुश्ती और कलरीपयट जैसे मार्शल आर्ट्स, हमारे आर्ट्स अगर एक हो जाए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाए, तो बड़े बड़े दिग्गजों को, फाइटर्स को बहुत तकलीफ हो सकती है. तो साथियों, अन्ना हमारे साथ मौजूद हैं ही. आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं शो से जुड़ी कुछ और दूसरी हस्तियों को आप सबकी जोरदार ताले के बीच. प्लीज वेलकम कुश्ती के गुरु श्री महावीर सिंह फोगाट साहब, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट रितु फोगाट और इस शो के प्रोड्यूसर और को होस्ट मिस्टर मोहम्मद अली बुधवानी साहब. जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बलशाली महाबली द ग्रेट खली. ओह माय गॉड, भाई थोड़ा जा. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. खली पाजी आप आए ना, आज तो हमारे प्रोडक्शन में लोग टेंशन में बड़े थे. आप जो वैनिटी से बाहर निकले ना, तो सारे इधर उधर भाग के हो, कहीं इनके पैर के नीचे आ गए तो एक महीने की छुट्टी हो जाएगी. आइए प्लीज, आइए ना प्लीज, विराजमान हो जाइए. ये आज अर्चना जी ने फ्रूट चेंज करवाने की बड़ी कोशिश की. बोलती यहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रूट हटाओ, यहाँ तरबूज रखो. मैं तो तरबूज कौन रखता है, अंगूर रखते हैं. कहती तुम तरबूज रखो, खली के लिए अंगूर ही है. खली पाजी बड़ा बड़ा अच्छा लगा आप सबको मिलके. आपसे तो बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही है. आप पहले दूसरे चैनल पे हम शो करते तब आप आए थे. हाँ जी. खली पाजी एक बात बताओ, जैसे थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सवाल अर्चना जी की तरफ से आया. कितना प्यार करता है तू मुझसे. नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, बोलते हैं ना कि हम बड़े भाई को बुला के लाते हैं. आपका कोई बड़ा भाई है कि? मुझे लगता तो नहीं आपसे बड़ा कोई हो सकता है. बिल्कुल मेरा बड़ा भाई है. अच्छा जी, आपका नाम लेके किसी ने फायदा उठाया कि खली मेरा भाई है? असल खली तो बाद में नाम पड़ा जी. पहले तो दिलीप सिंह था. दिलीप सिंह जी. और जब WWE में गया तब मेरा ग्रेट खली नाम पड़ा है. अच्छा जी, वाह. मतलब मैं तो मेरा भूल ही जाता हूँ, देखने का इतना मजा आ रहा है. मतलब यार हमारे देश का गौरव है आप. थैंक यू सर, थैंक यू. रितु आपको बहुत बहुत मुबारक, आपकी नई नई शादी हुई है. थैंक यू कपिल जी. और हमने आपकी शादी वाली फोटो भी देखी जो इंस्टाग्राम पे आपने डाली थी, शादी के जोड़ में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के. ओह वाओ. हाँ, तो शादी के वक्त ये ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब पंडित देरी करा रहा था फेरे कराने में, कि आपको लगा कि असली फाइट तो अब होने वाली है? नहीं बिल्कुल, शादी एक मतलब एक अलग ही फाइट है. वो फाइट जितनी जरूरी है तो अगले वाले हस्बैंड को भी थोड़ा दिखना चाहिए ना कि किससे शादी कर रहे हो. नहीं बहुत अच्छी बात है. और आपको पता है अर्चना जी पहले पहलवानी करती थी, इनको शौक था. जिस दिन इनकी स्वागरात थी ना, तो इनके हस्बैंड की हिम्मत ही नहीं हुई दूध का गिलास उठाने की. सीरियसली ना, उन्होंने अपना दूध का गिलास उठाया, इनको दे दे के तुम पी लो, मैं तो थेपला खा के सो जाऊंगा. कैसे पहलवानी मैं अभी भी कर सकती हूँ तेरे साथ. माफ करें, मेरा हाथ का साइज देखा है ना? खली पाजी के साथ करके दिखाओ, फिर पता चले. ऋतु एक बात बताइए, आपकी सारी बहनें पहलवान हैं, तो जब आपके मियाँ जब आए, आपके दूल्हा साहब, जो जूता चुराई की रस्म होती ना एक, तो आपके हस्बैंड की हिम्मत हुई नेगोशिएशन करने की कि कम ले लो शगुन, कि सारी पहलवान है? नहीं, वो मतलब जब रस्म का टाइम आया, जब नेक मांग रही थी, तो उन्होंने मतलब अपने इतने शरीफ थे कि जितना मांगा उतना निकाल के दे दिया. शरीफ थे कि डरे हुए थे? कुछ भी लगा सकते. महावीर सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके काफी सालों बाद. जैसे आप खुद पहलवान हैं, परिवार में सब बेटियां पहलवान हैं, तो दामाद आपने अखाड़े में ढूंढा किसी और फील्ड से? दामाद जो बबीता है वहाँ, जो उसके पास ही निकली कोठी है. अच्छा जी. तो आना जाना था जो वहाँ, जो इनका भाई है जो लड़का छोटा, वो वही रहता था, तो इनकी सारे उठा बैठी थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी. अच्छा जी. अच्छा, वैसे वो इस फील्ड से है नहीं ना रितु, वो पहलवान नहीं, 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 नहीं वो पहलवान नहीं है. पर आप अगर उनको देखो, ये देखिए, वैसे ये पहलवान नहीं. भाई साहब एक बार खड़े होकर दिखाइए, ये रितु के हस्बैंड है ये भी. तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा आप भी रेसलर? कहते नहीं रेसलर नहीं, मैं किसी और फील्ड से. तो मैंने कहा लगते तो आपका, तो इतना तो फिर सारे होते हैं हरियाणा में. तो क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
महावीर सर, एक एक सवाल था हमारी जनता का, क्योंकि सब आपके परिवार के इतने फैन हैं, तो वो सब पूछना चाह रहे थे कि जब आप घर से कभी बाहर जाते हैं तो ताला लगा के जाते हैं, या आपको ये लगता है कि कोई नहीं, अगर आ भी गया चोर तो अपनी हड्डियां खुद ही तोड़वाएगा, इतने पहलवान है? देखिए, आज तक न तो मेरी मम्मी ने कभी ताला लगाया घर के किसी चीज के, अच्छा जी, और न हमें कभी ताला लगाया, ना मेरे लड़के का ताला लगाते, सब कुछ ऊपर रहता है, अच्छा। ताला नहीं लगाते, जरूरत ही नहीं है, कौन आएगा मरने। अर्चना जी भी अपने घर को ताला नहीं लगाती, इनका भी एक हिस्ट्री, एक चोर आया इनके घर में, उसने 500 रुपए का कोई सामान उठा लिया, इन्होंने उसकी गर्दन पे घुटना रख के उसके 1400 निकाल लिए। यार मैं कितनी टैलेंटेड हूँ यार, नहीं उतर, मतलब 100 टैलेंट तो हर सैटरडे संडे मेरे गिनवा देता है यहाँ पर। आप है इतनी टैलेंटेड। बुधवानी साहब के लिए जोरदार तालियां। इस शो को लेके आने का आइडिया इनका है, ये इंडिया में इतना बड़ा शो लेके आए हैं, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बुधवानी साहब। अच्छा, इन्होंने अपने कहीं लिख रखा है सोशल मीडिया पे कि कॉम्बैट स्पोर्ट इज माय फर्स्ट लव, तो सर आप मतलब लड़ाई वाले खेलों को आप प्यार करते हो? मैंने इससे पहले आपकी क्लीन शेव में फोटो देखी, ऐसा लग रहा किसी आप सरकारी बैंक के कर्मचारी लग रहे थे उसमें, है ना, शरीफ आदमी लगते हैं आप, इसलिए दाढ़ी बना दी मैंने। तो ये मारपीट वाले चक्कर में कैसे आ गए, कहाँ से आपको शौक पड़ा कि ऐसा शो? फाइटिंग तो हमारे ब्लड में है ना सर। अच्छा जी, तो स्पोर्ट्स मुझे करना था, और MMA में बहुत स्कोप है इंडिया में, और बहुत सारी स्टोरी है जो अनटोल्ड है, तो इसलिए मैंने ये सीरीज बनाया, और फाइट में इसलिए क्योंकि मेरा पैशन है वो। बचपन में मैंने बहुत फाइट खेली है, और किस बात का गुस्सा था आपको, क्यों 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 करते थे इतनी फाइट? बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता था। अच्छा जी, तो मैंने बोला वही जो गुस्सा है उसी को मैं पैशन बना के उसको ही मैं फेमस कर दूं। क्या बात। शो के डायरेक्टर ओंकार पोदार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर एक बात पूछनी थी आपसे टेक्निकल, कि जैसे फिल्मों की शूटिंग होती है या हमारे शो की, कभी कभी रीटेक भी हो जाता है, आपके शो में भी रीटेक होता है? भगवान ना करे अगर किसी फाइटर को घूसा पड़ गया हो और आप उसको बोल रहे हैं कि एक रीटेक लेना है, ऐसे होता है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस जिस तरीके से हमें देखते थे तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई हमारी। अच्छा, पहला शो जिसमें डायरेक्टर भी डरा रहता है कि नहीं नहीं ठीक है हो गया, वी गॉट द शॉट, है क्या बात है। इस शो के 4 फाइनलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि बुधवानी साहब आप प्लीज इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों को। निचो इंगामी है, मेहंदी है, मेहंदी नासरी है, और रेखा है मोनिका गर्ग है, ये 4 फाइनलिस्ट है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली होनी चाहिए यार। मेरा पहला सवाल आपसे मोनिका को प्लीज माइक दे दीजिए। मोनिका, जैसे कोई इस हमारी फील्ड में आना चाहता है ना, एक्टिंग फील्ड में या डांस की फील्ड में, तो बचपन से डांस करना शुरू कर देता है, आपको कब पता चला कि आप मारपीट में बड़े अच्छे हो? पैदा होते ही डॉक्टर को घूसा मार दिया था या क्या? क्या आपके, कब, किसने पहचाना आपका ये टैलेंट पहली बार? मुझे पैदा होते ही पता नहीं है, लेकिन मैं मेरे भाइयों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट करती थी, इतना पता है मुझे। तो जब आप उनको पीटती, उन्होंने तो पापा से कहा होगा हमारी शादी करके हमारी विदाई कर दो, है ना, बहन ही पीट रही है भाइयों को। तो वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, वैसे एक बात आप चारों से मैं पूछना चाहता हूँ। नॉर्मली हमारे घर वाले बोलते ना कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अब आप इतने पॉपुलर हो गए, अब आपने घर वालों को बोला कि लड़ाई झगड़े में सब कुछ रखा, देखो हम कपिल शर्मा शो में आ गए, पता नहीं की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होता सर, मतलब बोलेगा लड़ाई झगड़ा, हम लोग सिर्फ रिंग में लड़ाई करते हैं। अच्छा, और वो स्किल है, वो सीखना पड़ता है, फिर वो लड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि रोड में आके फाइट करो मारो, ये तो ऐसा नहीं होता। पर जैसे आप मारपीट में स्पेशलिस्ट है, मतलब खिलाड़ी हैं, कभी बैंक वालों का फोन आया कि हमारे पैसे नहीं दे रहे रिकवरी करने के लिए आ जाओ या ऐसा कोई? नहीं ऐसे, सॉरी मेरे सवाल मतलब पूछ लिया कुछ, मैं माफी चाहूंगा अपने सवाल के, शुक्रिया। But I wanted to ask कि mixed martial arts में कोई special rules होते हैं जैसे wrestling में अलग होते हैं, जो अलग identify करते हैं sport को? आप खाओ पियो आराम से, आपको क्या लेना देना इन सब बातों से। अरे शर्मा जी, शर्मा जी, सारे रिश्तेदार तेरे ना। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, वाह, हेलो सर, हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। अरे शर्मा जी, वो मैं कुछ वेजीज लाई हूँ, 2000 रुपए दे दो। 2000 रुपए की कौन सी सब्जी? चांदी की मटर लेके आई है, कल ही तो मैं सब्जी लेके आया था। अरे वो नॉर्मल वेजीज है, ये वो सुपर फूड, आज से तुम यही खाओगे।
सुनील सर को देख रहे हो कितने फिट हैं yes. और अपने आप को देखो देखो तो सुनील सर की लाइफ में कोई स्ट्रेस भी नहीं है ना तो तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रेस है एक साड़ी पहन के घूमता है मेरे घर में ये तो तुम हमेशा सड़ू रहते ना सड़ू इसीलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ देखो डाइट प्लान चेंज करो आज से हेल्दी खाओगे खुश रहोगे डाइट प्लान छोड़ दो तुम मायके का प्लान करो देखना मैं कितना खुश होता हूँ तो देखो आ गई तंग करने महावीर सर सर अब ना वक्त आ गया है आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए आपसे ट्रेनिंग लूंगी शायद कोई डरे वैसे ही मेकअप करो मैं डर जाऊंगा प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अन्ना प्रॉब्लम ये घर में पड़े हुए हैं इनके माता पिता मेरे घर पे लड़की माँ बाप का घर छोड़ के आती है ये अपना घर बेच के माँ बाप इधर लेके आ गई तो जा ही नहीं रहे हैं अकेले क्या कर लोगे घर पे हाँ वो लोग रहते हैं घर भी भरा भरा लगता है घर ही भरा भरा रहता है किचन तो मेरा खाली कर जाता है ना रोज अन्ना क्लीन नहीं करोगे दिन में 3 बार इसके पिताजी का पेट का साइज बढ़ता है ब्रेकफास्ट के बाद 42 इंच लंच के बाद 55 इंच डिनर के बाद 60 इंच अभी पड़े हुए अंदर वो एक्चुअली ना मेरे पापा भी सर आप लोग की तरह किसी जमाने में पहलवान थे तो उनका डाइट है ज्यादा ना व्हाट टू डू तो माँ कौन सी ओलंपिक में जाने वाली वो पतीला पी जाती दाल का उसको तो चुप कराओ फिल्मों से कुछ सीखो ना देखो धड़कन में वो अंजलि से कितना प्यार करते थे लेकिन मेरे साथ तो हेरा फेरी हुई कि नहीं अब ध्यान से देखो कैसी बाबूराव जैसी बीवी मिली मुझे सारी प्रॉब्लम इसी को है बिल्कुल वो ना मेरे पापा तो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरी छोरी छोरों से कम है क्या छोरों से नहीं वो कह रहे मारी छोरी चोरों से कम नहीं है ये पता जैसे आपके पिताजी ने आपको पहलवानी की ट्रेनिंग दी इनके पिताजी ने पता नहीं कौन सी ट्रेनिंग दी जेब काटने की जिस दिन शादी थी अर्चना जी आप बिलीव नहीं करोगे पता नहीं बालों में कौन सी जेल लगा के आई जो भी आशीर्वाद दे उसकी अंगूठी बालों में छूट जाए सीरियसली हमारी सुहागरात थी तो हम बैठे थे कहते 2 मिनट रुको शैम्पू किया 14 अंगूठियां 6 ब्रेसलेट निकले इससे अपनी बात नहीं बता रहा अपनी बात बताओ सर ये इतना आलसी आदमी है इतना उस दिन मार्केट में चोर पर्स लेके भाग गया ये गया ही नहीं उसके पीछे खड़ा होके देख रहा था क्योंकि पिछली बार किसी ने इसका पर्स छीना मैं पीछे भागा वो इसका कजन निकला मुझे लगा इसका रिश्तेदार होगा कोई अपनी टेरिटरी में आने नहीं देते किसी को काट लेते हैं ये देखो वो मेरा कजन बिट्टू वो प्रैंकस्टर है वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रैंक के वीडियोस बना रहा था पकड़ा जाता है तो तब बोलता है वो देखिए सामने कैमरा इस पर प्रैंक जब नहीं पकड़ा जाता तो नहीं पकड़ा जाता निकल जाता है झूठी कहेगी मैंने तुम्हारे साथ रहती हूँ ना इसलिए तुम कदर नहीं करते किसी दिन चली जाऊंगी ना दूर तब करोगे कदर तो करा लो कदर जाओ दूर किसने रोका है फिर लिखोगे तुम खत संदेह से आते हमें तड़पाते लिखो तुम फिर मैं नहीं लिखता हमारे मैं क्यों खत लिखूं हमारे मोबाइल आ चुके हैं तुम्हारे गाँव में नहीं आए होंगे तू जा सही मैं तो करूंगा आज की पार्टी मेरी तरफ से ये करूंगा मैं नमस्ते जी देखो अन्ना ये मेरी सास देख लो किसी की सास ऐसी होती है मुंह से बड़ा जूड़ा रखा है खली परी जैसे आप दिन में 50 अंडे खाते ना इनका भी सेम है ये 50 बार दिमाग खाती है क्या दामाद जी मैं आपको इतनी चुभती हूँ हाँ आप टेंशन मत लो अब ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी मैं MMA वाला शो आ गया है तो उसमें मार खाने जा रही हो आप क्या दामाद जी मैं इन्हें समझदार समझती थी लेकिन ये बिंदु के साथ रह रहे के ना ऐसे हो गए एक सेकंड तुम मुझे क्यों बीच में ला रही हो मम्मी अरे शुक्र मना तुझे कोई तो बीच में ला रहा है वरना दामाद जी तो साइड ही रखते हैं है कि नहीं तू एक मिनट साइड में हो जरा मुझे काम की बात कर लें दे सुनील जी आप मुझे ना MMA में ले जाइए वहां मैं फाइटर्स के लिए कुछ खाना वाना बना दिया करूंगी मम्मी उनके अपने डाइटिशियंस हैं अरे डाइटिशियंस हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा खाने में प्याज डाल सकते हैं माँ का प्यार नहीं है कि नहीं अरे फाइटर्स जब मसल पेन लेके आएंगे तो मैं रोटियों पे बाम लगा लगा के दिया करूंगी मम्मी ना 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 बोलने दे रोको मत बोलने दे लोगों को पता चले कैसे रहता हूँ मैं इन लोगों के बीच में दामाद जी बीच में तो हम रहते हैं आप तो साइड में सोते हैं Oh my God. अरे सोने से याद आया फ्रिज मत खोलना अभी इसके पापा जी सो रहे हैं है? क्या हाँ ऐसी तो हरकतें हैं ना देख लो इनकी अभी फ्रिज में सो रहा है बुड्ढा उस दिन वॉशिंग मशीन में नहा रहा था
तुमने इंसल्ट सबके सामने. लो मेरी वजह से इसकी इंसल्ट हो रही है, वरना हर हफ्ते तो इसे नेशनल अवार्ड मिलता है. सबसे पहले नेशनल अवार्ड ना साल में एक ही बार मिलता है, तो तुझे कौन सा मिल गया, छिपकली की बच्ची? मैं तुम्हारी बच्ची हूँ. ओ, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, समझदार की बच्ची. तुमको शर्म नहीं आती मम्मी? अरे बहुत शर्म आती थी मुझे, बहुत शर्म आती थी, लेकिन इसके पैदा होने के बाद इतना सुनना पड़ा कि मैं तो बेशर्मी हो गई. मम्मी बेशर्मी की हद होती, तुम प्लीज अंदर चलो. प्रणाम जी प्रणाम, आज हो जाए इसके साथ दो दो हाथ. चल 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 चल. हमारे दर्शकों की कुछ फरमाइशें हैं आप सबके लिए, जो भी कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. जी मैडम. नई नई शादी हुई, आप यहाँ बैठी हुई, जाओ कहीं शिमला मसूरी, कहाँ आप? सर मैं हुए आई हूँ. कितनी देर होगी शादी को? सर हो गया 9 months हो गया. अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको. पति भी आए साथ में आपके? हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड भी आए. अरे क्या हाल भाई साहब, क्या हुआ, अभी तो 9 महीने हुए हैं कुछ. बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत स्वागत है. कहाँ से आए आप? सर ये मुंबई से आई हूँ. मुंबई से ही? अच्छा जी. जी जी, क्या कहना चाहती हैं आप? सर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है. जी. सुनील सर का एक डायलॉग है, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता. जी. और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. जी. तो ये डायलॉग मैं खली सर के मुंह से सुनना चाहती हूँ. पाजी नई नई शादी हुई है, उनको आप मना नहीं कर सकते. देखो आप मैं शुरू करूं? हाँ शुरू. अंजलि, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं. अंजलि, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता. मैं तुझे भूल जाऊंगा ये हो नहीं सकता. और तुम मुझे भूल जाओ. तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. ये मैं होने नहीं दूंगा. अभी पूरा डायलॉग बोल दीजिए. अंजलि तू मुझे भूल जाएगी ये मैं होने नहीं दूंगा. और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा. हाँ मुझे भूल जाएंगी तो मैं ये होने नहीं दूंगा. थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच सर. मुझे लग रहा था पहलवान आदमी ये ना कहे अंजलि तुम मुझे भूल जाओ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा. भाई मैं रेसलर हूं, मैं कोई एक्टर नहीं हूं. मैंने बड़ा अच्छा बोला पाजी, आपने बहुत अच्छा बोला. थैंक यू सो मच. एक फिल्म आपने देखी होगी, उसमें इन्होंने बहुत बड़े रेसलर राजपाल यादव के साथ कुश्ती की. जी भाई साहब को माइक दे दीजिए, उनको कुछ बोलना है. क्या हाल है ब्रदर? सर माई सेल्फ पीयूष. हाय पीयूष, कहाँ से? हेलो सर. हेलो एवरीवन, मैं सर नागपुर से हूँ. मेरी वाइफ है, ये मेरे जिया जी हैं. क्या हाल है जी? सर एक ख्वाहिश उठी है. जी सर. खली सर के साथ मैं आपको पंजा लड़ाते हुए देखना. अरे ये आपकी ख्वाहिश है कि मेरी मौत है? कैसी बातें कर रहे हो, ख्वाहिश से क्या होता है सर? नहीं, सर, नहीं। बहुत अच्छा लगेगा. ऐसे तो मेरी भी ख्वाहिश है वो आपके ऊपर बैठे. फिर अर्चना जी पंजा लड़ा सकती हैं. अर्चना जी एक्चुअली चीज पर अर्चना मैम मजा आ जाएगा. आइए अर्चना जी, कम ऑन, यो यो कम ऑन. प्रणाम महादेव. इसने मुझे यहाँ पर खड़ा ही कर दिया. यहाँ पर आइए. सो आप अभी देखिए. ओह माय गॉड, पहले तो हाथ जरा कंपेयर कर लो भैया. ये देखो कसम से इतना बड़ा हाथ है ना, चादर बिछा के छोटा बच्चा सो सकता है यहाँ पे. थोड़ी सी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल मतलब मजाक में कर दिया. थोड़ा सा सुपर सुपर सुपर. थैंक यू. ये खली पाजी का बड़प्पन है, इन्होंने जानबूझ के जिताया, नहीं तो दोनों हाथ और दोनों पैर भी लगा लेती ना आप. फिर आप पैर तो मैं नहीं लगाती हूँ अभी. मेरी बात सुनिए आप. मोहतरमा आइए. एक तो भी करना कर क्या करना? नहीं 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 क्यों? पहले आप दिखाइए ऐसे. मेरा बनता है. चला मैं तू आइडा
भाई आप हमारे भाई हैं। आप हमारे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको पता है इतनी बड़ी आपकी छाती है, इस पे आप तो किसी कंपनी की एड भी लिख के देते, महीने का रेंट आता। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी फरमाइश ना किया करो। अन्ना हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर डालते हैं, नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, प्लीज दिखाइए जरा। ये अन्ना ने फोटो डाला है, संडेज बी लाइक दिस ऑन द हाई ऑफ ऑफ रोडिंग। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आदमी कितना भी बड़ा हीरो हो, क्लेम के लिए इंश्योरेंस वाले का वेट करना ही पड़ता है, इसलिए गाड़ी नहीं हिलाई। सुना है अन्ना 24 घंटे चौकन्ना, फिर एक्सीडेंट कैसे हो गया? और दिखाइए। फिल्म बलवान में इन्होंने हाथ से लड़की के लिए गाड़ी उठा दी थी, यहां भी लड़की होती तो इसे भी उठा देते। किसी ने रिप्लाई किया है, लड़की का ही वेट कर रहे हैं, उसके आते ही गाड़ी उठाएंगे। और दिखाइए। खली पाजी ने फोटो डाला है, मिक्का पाजी पहली बार मुझे इतने छोटे लगे। दिखाइए नीचे कमेंट। सर मिक्का को सिक्का बना के जेब में डाल। खली सर आपको फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाने की क्या जरूरत है, आप तो उड़ता हुआ जहाज भी भाग के पकड़ सकते हो। और दिखाइए, ये देखो आ गई बेबी वाली फोटो। शादी वाले वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द थिंग्स दैट आर इन योर डीएनए। अभी देखते नीचे कमेंट्स। आज पहली बार लोगों ने सास को समझाया होगा, अगर बहू कुछ कह दे तो जवाब मत देना। गुड वन। आपसे इंस्पायर होकर मैंने अपनी बहन को बॉक्सिंग सिखाई, अब वो हमारा जीजा पीट रही है। और दिखाइए, ये बुडवानी साहब ने फोटो डाला है, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, माइक टायसन। वाओ। दिखाइए नीचे कमेंट। लगता है पिछली बार हाई फाइव करने के चक्कर में अली भाई के हाथ की हड्डी टूट गई, इसलिए ग्लव्स पहन लिया है। आज इनके पास माइक है, अब ये सबको गाना सुनाएंगे। किसी ने रिप्लाई किया, ऐसी बातों से चिड़के टायसन लोगों के कान काट लेता है। लोगों को पुरानी पुरानी बातें याद रहती, देखो। किसका कान काटा था, होलीफील्ड का ना, होलीफील्ड। और आगे दिखाइए। अन्ना ने फोटो डाला, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू माई फॉर एवर वैलेंटाइन, बट ए ब्यूटीफुल पिक्चर अन्ना। कमेंट्स देखते हैं नीचे। ये होते हैं फिटनेस फ्रीक, इनकी फोटो के बैकग्राउंड में भी ड्राई फ्रूट दिखाई देता है। फोटो खींचने के बहाने अन्ना ने पिस्ता की मुट्ठी भर ली। सर मेरी मूंगफली और रेवड़ी की दुकान है, अगर मेरी दुकान के आगे आप ऐसी फोटो खिंचा लो तो सर्दियों के 3 महीने आपको मूंगफली फ्री। और दिखाइए। मैं भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान के बाहर फोटो खिंचाना पसंद करता हूँ, इससे इंसान अमीर दिखता है। रिप्लाई, मैंने तेरी फोटो देखी है, सींग दाने को ड्राई फ्रूट नहीं कहते। और दिखाइए। खली पाजी ने फोटो डाला है, खली पाजी कहाँ का फोटो है ये? और दिल्ली का फोटो है। तो ये क्या कर रहे हो आप? ये तो भूल गया मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आइए देखते हैं कमेंट्स क्या है नीचे। मेरे कमेंट ना ही पड़े तो अच्छा है। ये हाथ दिखा के बोल रहे हैं, ये प्लेट प्लेट नहीं चलेगी, सीधा पतीले में लेके आओ। खली के बाजू वाले भाई साहब सोच रहे हैं, 20 आदमियों का खाना बताया था लेकिन 20 में खली भी है ये नहीं बताया। खली साहब सब कुछ खा लो, बस हलवाई जिंदा छोड़ देना। हाँ, ये फोटो है, मैंने एकेडमी खोली नहीं। अच्छा जी, करनाल में उसकी फोटो है। अब मैं अच्छा, और दिखाइए कमेंट्स।
लो जी, वॉरियर स्पिरिट इज नथिंग विदाउट मास्टरी. वाओ, ओहो, कुल्हाड़ियों वाली फोटो. आइए देखते हैं कमेंट्स. आपकी पिछली वाली फोटो पे मैंने कमेंट किया था, इस फोटो में कुल्हाड़ी देख के मैंने वो डिलीट कर दिया. हाथ में कुल्हाड़ी देख के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई, वो भी शॉपिंग के बहाने मुझे काटती है. और दिखाइए, महावीर सर ने ये फोटो डाला है. हैं रितु, पापा का अकाउंट भी बनाया है? हाँ जी. सीरियसली देखते होंगे पापा अकाउंट? देखते हैं. हैं महावीर सर, देखते हो आप इंस्टाग्राम? ना, मैंने कभी देखता नहीं. मैं तो बाय चांस देखो, बता दीजिए जब. देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है. कहां भले आदमी को इंस्टाग्राम में फंसा रहे हो आप. आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं. धन्यवाद सर जी, देश को ऐसी छोरी देने के लिए. वाह, किसी ने लिखा टीवी पर अपनी पुरानी कुश्ती देखते हुए. हाँ. किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई, वो दूध के भाव बढ़ गए तो वो देख रहे हैं. कितना ही बड़ा पहलवान हो, जब बीवी बोले तो पति ऐसे ही चुपचाप सुनता है. और दिखाइए, खत्म. खली भाई, जैसे हम आपकी फोटो के नीचे कमेंट्स पढ़ रहे थे, आपके नाम के ऊपर ना, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, बड़े अच्छे अच्छे मीम्स भी बनाए लोगों ने. बड़े आपको कुछ याद है, कुछ फनी मीम्स बड़े आते थे? मेरे को याद नहीं ऐसे, मतलब, लेकिन मैं एक दिन ना, मेरे से ना न्यूज वाला आ गया मेरे पास. अच्छा. वो कहता गया तू, कहता बहुत वायरल हो रहा. मैंने कहा कैसे? मैंने कहा अच्छा जी. मेरे उस टाइम इंस्टा पे थे 3 लाख फॉलोवर. अच्छा जी. फिर मैंने थोड़े देखने शुरू किए तो बहुत बियर्ड बियर्ड ये मतलब कमेंट आ रहे. कमेंट मतलब कैसे? मतलब मतलब कि भी यहाँ से मेरे को वहाँ पहुँचा दो, आप यहाँ से पाकिस्तान को मिटा दो, पता क्या क्या, मतलब यहाँ से मेरे को अमरीका पहुँचा दो, यहाँ बहुत दुखी हूँ मैं. मैंने कहा यार कैसे? एक तो मैंने पढ़ा, किसी ने कहा मुझे फूक मार के थाईलैंड पहुँचा दो. मतलब उल्टे सीधे कमेंट तोड़ के, तो आपके तो आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैं गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा तो फॉलोवर ना 3 लाख से 5 लाख हो गए उसके बाद. लोगों का किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते. मैं कहता डूइट. हाँ, सोशल मीडिया पे तो नहीं कर सकते, सामने तो आप कर ही सकते हो. नहीं ऐसा नहीं, मतलब पर लोग आपको इमेजिन ऐसे करते ना, जैसे हॉलीवुड वाले तो सुपर हीरो क्रिएट करते हैं अपने, आप उनके लिए रियल सुपर हीरो लगते हो कि यार, है ना, ऐसी पर्सनैलिटी है. हाय, नमस्ते सुनील शेट्टी जी, नमस्ते अली जी, नमस्ते ऋतु जी, नमस्ते खली जी, नमस्ते महावीर फोगाट जी, नमस्ते. क्या शर्मा जी, क्या बात है, आपके घर में तो एकदम बड़े बड़े लोग आए हैं, और एक तो बहुत ही बड़े लोग आए हैं. बड़े लोग, क्या बात. हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं. हाँ. हम हैं. नहीं दीदी, आज आपका इंट्रोडक्शन हम देंगे. ठीक है, ये देगी आज हमारा इंट्रोडक्शन. ये है गुड़िया लॉन्ड्री वाली. हाँ. खूबसूरत क्यूट चार्मिंग रानी की बड़ी बहन. ये हमारा इंट्रोडक्शन था. ठीक है, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं. ये है रानी, ये बहुत ही प्यारी, चार्मिंग और क्यूट है, और जो कुछ अभी हमने कहा वो सब कुछ झूठ है. मजा आया इंट्रोडक्शन सुन के? बेकार का बात करती है, क्या बताएं, छोटी बहन है हमारी. वो तो दिख ही रहा है. दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? आपने कहा था कभी किसी को छोटा नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, ये छोटी नहीं है, हम बड़े हैं. ओके दीदी, कभी बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए. वक्त का पहिया कभी बदल सकता है. देवी और सज्जनों, अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कैसे एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर बैठती है. नहीं दीदी, दीदी सॉरी का बात नहीं है, बेकार का बात काहे करती हूँ. यहाँ पर मेहमान बैठे, इतने बड़े बड़े मेहमान हैं, इनसे मिलो सबसे. दीदी धड़कन. हाँ, बलवान. गोपी किशन. दीदी आपने सिखाया है सबके सामने पापा का नाम नहीं लेते. सुनील शेट्टी जी, तेरे पापा कहाँ से हो गए? नहीं मेरे नहीं, आथ्या के तो पापा है ना. हमारी बहन, हमने सिखाया है अपने पापा का नाम नहीं लेते, किसी और के पापा का नाम ले सकते हैं. तो फिर महावीर फोगाट. ये क्या, ये उनके पापा का नाम है. दीदी ये तो दंगल वाले हैं ना. हाँ वही है, वही है.
लेकिन दीदी हमने पूरी फिल्म देखी, उसमें आमिर खान लग रहे थे, यहाँ क्यों नहीं लग रहे हैं? क्या है यार, क्या लॉजिक है ये सब? इसी किन बातों की वजह से ना ये हमारी नाक कटवाती है। लेकिन दीदी आपकी नाक तो है। अभी हमारी नाक है, थोड़ी देर में ना तुम नहीं रहोगी। बेकार का बात कर रहे हैं, यहाँ पे आके इनसे मिलो। ये सब ना एमएमए से हैं, ये लड़ाई करते हैं। दीदी क्या झूठ बोल रही है, सब लोग चुपचाप बैठे कहाँ लड़ रहे हैं? लड़ाई ये यहाँ पे आपस में नहीं करते हैं, ये रिंग में लड़ाई करते हैं। दीदी इतने से रिंग में कैसे लड़ाई करते होंगे? वो इतना सा जो रिंग होता है निकालते हैं और दूसरे के मुंह पे मारते हैं, सामने वाले को गुस्सा आता है, फिर लड़ाई होता है। ठीक है दीदी, ये छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो ऐसे रिंग निकाल के ऐसे मार के लड़ाई करेंगे, ये प्रोफेशनल्स हैं। वो चकोर जैसा होता है रिंग ना, उसमें रेफरी के सामने फाइट करते हैं। पता है इसको, पहले बातों के चक्कर में सुनील शेट्टी जी को कंग्रेचुलेट करना ही रहेगा। बेटी के शादी के लिए बहुत बहुत बधाई आपको सर, बहुत बधाई। वहां सच में बता रहे हैं, ऐसी शादी हमने आज तक नहीं देखी। लेकिन दीदी आपको तो बुलाया ही नहीं था। इसीलिए तो हमने कहा नहीं देखी। लेकिन सर एक जिम्मेदारी आपका अभी खत्म हुआ है, एक दूसरा जिम्मेदारी अगर जीवन में आप लेने को तैयार हो, अगर जी शादी हमारा भी नहीं हुआ है तो अगर ये जिम्मेदारी आप ले सकें, कि एक लड़का, मतलब आप इतना लड़का लोग को जानते हैं, तो कोई मतलब रेसलर भी चलेगा हमें? है खली जी, है खली जी। एक काम करो ना खली भी, ऐसे यहाँ यहाँ तक तुम शादी कर लो, यहाँ यहाँ तक। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। दीदी मैं तो कहती हूँ आप सोमो रेसलर से शादी कर लो। सोमो ये बात हमको मत बताओ, उनको बताओ, क्योंकि वरमाला के टाइम अपने जीजा को कंधे पे तो यही उठाएंगे ना। क्यों उठाऊंगा मैं, तुम मेरी बहन थोड़ी हो। हम आपकी बहन नहीं है? नहीं है। हमें नहीं पता था कि आप भी हमें उस नजर से देख। शट अप जीजू, 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 मैं तेरा पपीता उठा के मार रहा। जीजू 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 भाई, जीजू नहीं तो मारा। दीदी जीजा जी मुकर रहे हैं, ये सेलिब्रिटी लोग हैं, कैमरा के सामने ये लोग रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे यहाँ पे ये देखो अली जी, अली जी आप हमसे प्यार करते हैं? बहुत। अरे तो बहुत भरे पड़े हैं भाई। कैमरा के सामने भी मान गए। हाँ। दीदी जिस काम के लिए हम आए वो कीजिए, महावीर जी को दिखाइए हम क्या लेके आए हैं। महावीर जी नमस्ते। सर आपके लिए एक गिफ्ट लाए थे। अच्छा। गिफ्ट एक्चुअली नहीं है, इसको गिफ्ट नहीं कह सकते, हम देते हैं आपको। उनकी नींद खराब करती, वो सो रहे थे आराम से। हमारे लोगों की तरफ से नोटिस है आपको, जुर्माने के तौर पे हमें 1 करोड़ रुपया देना होगा। किस बात का जुर्माना? ये जो आप लोग रेसलिंग करते हैं वहाँ पे आप लोगों को धोते हैं, हमारा परमिशन लिया है, क्योंकि धोने का काम तो हमारा है। हमको पैसा दीजिए वरना हम आपके रिंग में आके कपड़ा धोएंगे फिर। और अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं यहाँ पे तबाही मचा दूंगी। ये मचा देती है तबाही, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। ये बजा देती है ईंट से। और उसके बाद भी पैसा नहीं मिला तो आपको मेरी दीदी की लाश से गुजरना होगा। दीदी की लाश? दीदी की लाश पे से क्यों गुजरना होगा, तुम्हारे लाश पे से क्यों नहीं गुजर सकते? दीदी मैं पतली हूँ ना, तो मेरे ऊपर से आसानी से चले जाएंगे, आप थोड़ी हैवी हो तो आपसे टकराएंगे तो इनको समझ में आएगा, पैसे दे दो ना। ऐसा क्या है, ऐसा लाश के ऊपर से गुजरना कैंसिल करते हैं, उसका जरूरत नहीं है। आप पैसा दीजिए बस, और जब तक आप लोग पैसा नहीं देते हैं तब तक आप हमारी बहन को एमएमए के लिए ट्रेन कीजिए। कीजिए, ऐसे ट्रेनिंग नहीं होती है। कुछ आपको रेसलिंग के बारे में पता भी तो होना चाहिए। पता होना चाहिए, हमसे कह रहे हैं। आपको हमारे दादाजी पता है? नहीं पता है। एक बार हमारे दादाजी शेर के पिंजरे में कूद गए, लगातार 6 घंटा लड़ाई चली। शेर के साथ? नहीं नहीं, बाहर लोगों के साथ, के धक्का किसने मारा मुझे। फिर क्या, अभी हमारे दादाजी जो थे वो वेजिटेरियन थे,
अच्छा। तो शेर को वो तो खा नहीं पाए, शेर निकला नॉन वेजिटेरियन, खा गया दादाजी। ओह माय गॉड। लेकिन दादाजी भी हमारे ऐसे वैसे नहीं, वो शेर के लिए अभी जीवन आसान नहीं है, हर 5 मिनट में उस शेर को बाथरूम जाना पड़ता है। क्यों? हमारे दादाजी को शुगर था ना, दादाजी को शुगर था, वो दादाजी का खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। दीदी वो तो शेर की रगों में दौड़ रहा है ना। अच्छा ठीक है, जिसका भी रगों में दौड़ रहा है कौन, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है कि आप इसको ट्रेन कीजिए। और ऐसा हम बता रहे हैं रितु जी, पूरा ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं है, 95% इसका ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। अच्छा, इसे आता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे ना आप दंग रह जाएंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं, देखना चाहेंगे? दिखाई दीजिए। ये जो गर्दन है ना गर्दन, ये 360 डिग्री घुमा लेती है। मजाक नहीं कर रहा, दिखा दिखा, ये मान नहीं रहे हैं, दिखा। ठीक है, देखिएगा। ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ तो करो, क्यों करे, करो, कौन दिखता है आदमी। अरे हमने ये थोड़ी ना कहा कि सिर्फ यही कर सकते, कोई भी कर सकता है। ये कुछ नहीं है, हम आपको बताएं इसके अंदर टैलेंट देखे, ये अपना दो हाथ खाली जमीन पे रख के पैर ऐसा ऊपर हवा में। देखा, आप मेरे बारे में क्यों बता रहे हैं, अपना बताइए ना। आपको पता है दीदी जमीन में बिना हाथ रख के पैर हवा में कर लेती हैं। हाँ। अरे हमारा प्रैक्टिस नहीं रहा है, अभी नहीं दिखा पाएंगे। दीदी दिखाइए ना। अरे फिर सब लोग एकदम खुश हो जाएंगे, ताली वाली बजाएंगे, फिर हम बहुत मशहूर हो जाएंगे। अरे दीदी दीदी दिखाइए, इनको मालूम चलना चाहिए अब कितनी क्या चीज है, दिखाइए दीदी प्लीज। ठीक है गाइस, दी 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 दी। हाँ दिखाते हैं। तो अपना हाथ जो है हम नहीं रखते जमीन पे हाथ, पैर लेकिन हवा में। हवा दिखाएं आपको। हाँ। तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? हाथ जो है हमारे जमीन को भी टच नहीं करेंगे लेकिन पैर हवा में होंगे, देखिएगा गौर से देखिए। अरे आप इतनी टैलेंटेड हो दोनों, अभी तक किसी ने गोली क्यों नहीं मारी आपको? ये तो कुछ नहीं है, हमारे अंदर बहुत मल्टीपल टैलेंट है सारे, आज दिखा देंगे ना तो आपको बहुत शौक लगेगा, तो इसके लिए आज सारा नहीं दिखाते हैं। हाँ। लेकिन एमएमए का हम इसको ट्रेन किया है, ये फाइटर है लड़की। हाँ। आप देखेंगे इनको लड़के दिखा एक बार। दीदी लेकिन किससे लड़े हम? एक काम करते हैं, तू हमारे साथ लड़ाई कर, तू सोच के हम तेरे दुश्मन है। नहीं नहीं दीदी, आप मेरे दुश्मन नहीं, आप तो मेरी दीदी हैं। कोई दीदी नहीं है। भूल जाके हम तेरी दीदी हैं। दीदी मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगी। यह बिना सुनील शेट्टी जी का भी ये चापलूसी करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अहान का अभी शादी का उम्र हुआ नहीं है, अभी रुक जा, टाइम है। अभी तू फोकस कर लड़ाई पर, ठीक है? तुझे हमसे लड़ना है, और हम कौन है? हम है दुश्मन। How's the Josh? Hi, sir. Very good. अब तू हमसे लड़ेगी, आ जा! बहुत अच्छा है। Very good, very good, very good. Very good, बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा है, अभी छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, हो गया। नहीं दीदी। अरे नहीं क्या? दुश्मन को नहीं छोड़ते हैं। हम तेरी दीदी हैं। नहीं यहाँ कोई दीदी भी नहीं, सिर्फ दुश्मन है। अरे अरे बस हम मर जाएंगे। नहीं दीदी आप नहीं मरोगे, मरेगा तो दुश्मन। हाउस द जोश। हाय। अरे छोड़िए हम बात मूवी से। अन्ना आप जैसे इस शो के जरिए हमारे देश को इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो देने वाले हैं, तो हमारा सवाल ये था कि कभी आप रोड पे जाते हैं और किसी को झगड़ा करता हुआ देखें, आप उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं कि गाड़ी में बैठ के देखते रहते हैं कि जो जीतेगा उसको मैं शो में लेके आऊंगा? आज आपने बताया तो आई थिंक पहले वो ही करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट ढूंढ रहा हूँ तो वैसे ही करना चाहिए कि लड़ लो, देखते हैं कौन कैसे लड़ता है और कौन अच्छी मार भी अच्छा खाता। खली पाजी का एक द ग्रेट खली नाम से इन्होंने ढाबा खोला है जिसके अंदर एक रिंग भी बनाया हुआ है। तो पाजी आप पहलवान है इसलिए शौक से बनाया, या अगर कोई पैसे ना दे खा के तो उससे वसूली करने के लिए बनाया आपने, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था? मतलब जैसे दूसरे ढाबे पे कोई ट्रक खड़ा करते हैं। हाँ।
और या कोई और कोई ऐसा कुछ करते है, तो मैंने कहा मेरी पहचान ये है क्योंकि आई लव रेसलिंग, तो मैं सोचता हूँ कि अपने रिंग के नजदीक रहूं, रिंग मेरे से दूर ना होए कभी। अच्छा जी, सो मेरे हिसाब से पहला रेस्टोरेंट होएगा पूरे हिंदुस्तान पर, पूरे वर्ल्ड पे, कि रेस्टोरेंट के अंदर एक पूरा रिंग बनाया है, होना भी चाहिए, आपका रेस्टोरेंट है तो वाह। सो एक अच्छा लगता है। अच्छा, आपके रेस्टोरेंट में कभी कोई सब्जी आए, कोई नमक कम ज्यादा भी हो जाए, कोई कंप्लेंट तो नहीं करता होगा? कहता होगा खा लो यार चुपचाप जैसे, मतलब बिल्कुल आपने सही बताया, बहुत कम कंप्लेंट करते हैं। खली पाजी, अपना दिनेश है ना गिटार पे, इसने नई गाड़ी ली, डाउन पेमेंट दे के किश्तों पे, तो उसका कवर थोड़ा 10,000 रुपए का पड़ रहा था, इसने लिया नहीं, तो पूछ रहा था खली पाजी कहना कोई पुरानी बनियान पड़ी हो आपकी। ऋतु, आपके साथ कभी ऐसा हुआ जैसे आप फाइट जीत गई हैं, उसके बाद जिससे आप जीतती हैं गले भी मिलती हैं, तो किसी ने हार के गुस्से में कहा है तेरा बेड़ा गर्क हो, मेरी ट्रॉफी जीत ली, कभी ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार एक फाइटर मेरे शहर गई थी, वो पहले मेरे को फॉलो करती थी। अच्छा। और जब वो मेरे शहरने के बाद उसने मेरे को अनफॉलो कर दिया। मैं बार की फाइटर थी वो। आपको पता है दंगल फिल्म में आमिर खान साहब ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो महावीर सर का ही किरदार उन्होंने निभाया है। तो महावीर सर, जब वो आमिर खान आपसे मिलने आए थे, तो आपने उनको जो दाव पेच सिखाए थे, बोल के सिखाए थे कि पटक के भी दिखाया था आपने उनको? वैसे जो मिट्टी के खड़े के में जो जो टेक्निक होती है, वो टेक्निक जो बताया जिसको, ऐसे जो एक पॉइंट ऐसे मिलता है, दो ऐसे मिलते हैं, चार ऐसे मिलते हैं, पांच ऐसे मिलते हैं। अच्छा। तो टेक्निक करके बताई थी। तो सर, आपको पहले पता था, जब तक आप उनसे मिले नहीं थे आपको पता है आमिर खान कौन है? ना, पहले कोई पता नहीं। क्या बात है यार, अपने खेल के लिए ही इतना डेडिकेटेड है कि फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के यही करना पड़ता है। रितु की बहनों के नाम गीता, बबीता, संगीता हैं। हाँ। इनका नाम रितु है। आपने पूछा नहीं अपने पापा से मेरे टाइम आपके अंदर का कवि कहाँ गया? नहीं, मैंने बिल्कुल पूछा था कि मतलब सभी के पीछे ता 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 है, तो मैं क्यों? हाँ, मैं तू मैं तू माँ से पूछा था, पापा से तो नहीं पूछा था। लेकिन तो मेरी एक और कजन थी, वो भी मतलब हम एक दिन का ही फर्क है, तो हमारा नाम रितु नितु ये रख दिया, तो बोले कि इसीलिए तुम्हारा नाम ये रख दिया। एक्चुअली पहले ऐसा ही होता था ना, माँ बाप बच्चे भी उस समय ज्यादा होते थे, 90 से पहले चले जाओ, 7-8 बच्चे, एक राजू है, दूसरा काजू, छोटा बाजू, मतलब मिक्स ही कर देते थे पहले, है ना, ऐसे होता था ना। आपके भी तो भाई का नाम खर्चना है ना। तू कपिल है, तेरे भाई का नाम अशोक क्यों है फिर? अरे उसका नाम भी फप्पिल मप्पिल होना चाहिए था। मैंने मशहूर होने के बाद नाम चेंज कर लिया, मैं कहा बताना मत किसी को मैं तुम्हारा भाई। बुधवानी साहब, आप माइक टायसन को आप पहली बार लेके आए थे ना इंडिया जी, तो आपको डर नहीं लगा था कि मैनेजमेंट में कोई इधर उधर गलती हुई, मेरे कान ना काट ले? आपको डर नहीं लगा उनसे? नहीं, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली द ग्रेट मोहम्मद अली टायसन का गुरु मोहम्मद अली था, तो मुझे डरने लगी थी। हाय हाय, मगर वो माइक टायसन को बुलाने के लिए बहुत एक लंबी स्ट्रगल हुई थी मेरी। मैं माइक टायसन को फॉलो कर रहा था, उनके सेक्रेटरी को फॉलो कर रहा था, मैंने फ़ोन किया कि हमको माइक टायसन ऐसे एमएमए प्रमोशन के लिए चाहिए। पहले तो कहाँ से बोल रहे हो, मैं बोला इंडिया से, तो फ़ोन ही काट दिया। क्यों? तो 3-4 दिन 5 दिन की स्ट्रगल के बाद मैंने फिर फ़ोन किया उनको, बोले ठीक है, बट ही डजंट वांट टू कम टू इंडिया। मैं बोला व्हाई? बोले ही थिंक्स इंडिया इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ओह माय गॉड। तो बट मैं बोला टेल मी द मनी, उसने मुझे ऐसा एक फेक अमाउंट दे दिया, इतना बड़ा अमाउंट दे दिया कि मैं ना ही बोल दूं। तो उसने मुझे वो अमाउंट बोल दिया, मैंने हाँ बोल दिया उसको, तो वहाँ ही शौक हो गया वो तो। बट उसके बाद भी जर्नी ये चालू रही कि वो हमारी बात चलती रही, वो बोला कल बात कराऊंगा, परसों बात कराऊंगा, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, उसमें ही वो 2-3 महीना निकल गया। तो मैं बोला मैं आता हूँ, आप रुक जाओ। तो मैं यूएस चले गया, तो मैं उनके ऑफिस में गया, तो बोले मैंने आपको बताया ना वो इंडिया नहीं आना चाहते, जा सकते हो यहाँ से। मतलब मैं इंडिया से इधर आया उनको मिलने के लिए, मुझे एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम तो दो, मुझे मिल लूँ उनसे। ओके, हम 15 मिनट का तुमको टाइम देंगे, मगर आपको 50% अमाउंट अभी पेड करना पड़ेगा। अच्छा। और कभी उन्होंने मना कर दिया तो बोले मना कर दिया तो अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। बोला मैं इंडिया से और आप यूएस में, मुझे रिटर्न अमाउंट होगा, मैं आपके भरोसा कैसे करूँ? भरोसा नहीं, तो बोले जाओ आप वापस इंडिया। तो फिर मैं सोचा कि नहीं यार, मैं इतनी मेहनत करके इधर तक आया हूँ, तुम रिस्क ले ही लेते। तो मैंने दूसरे दिन अमाउंट क्रिएट कर दिया, तो उन्होंने बोला ओके आप अभी लास्ट वेगस जाओ, हमारे फ़ोन का वेट करो। हम लोग खुशी खुशी लास्ट वेगस गए कि दूसरे दिन हम लोग माइक टायसन को मिलने वाले हैं। मैंने फ़ोन किया, लिमोजिन, 2 लिमोजिन बनाए कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, बताओ 2 लिमोजिन लेके जाऊँगा मैं साथ में और दिखाऊँगा शो के इंडिया क्या है।
तो हम लोग दूसरे दिन सुबह को 9 बजे लिमोजी आके खड़ी है, हम उसका वेट कर रहे फ़ोन का, और 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, फ़ोन ही नहीं आ रहा है। मैंने फ़ोन किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बोला सर बिजी है। ऐसे ये 3 दिन चलता रहा, सर बिजी है, सर बिजी है। तो मुझे एक डाउट आया, सर मैं क्या भूल जाऊँ, मैं मेरा गया 50%, अब मैं वेगस में आओ चलो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। तो 3-4 दिन कंटिन्यूस ये हुआ, 5वें दिन पे हम शॉपिंग कर रहे तो उनका फ़ोन आया कि माइक टेसन आपको कल 10 बजे मिलेगा। तो फिर मैं लिमोजिन मंगाया और वहाँ पर गया, लिमोजिन बोले सिर्फ 15 मिनट का काम, 15 मिनट आपको मिनट देगा, अगर आप 15 मिनट उनको मना लोगे तो वो आएंगे, नहीं तो आप 15 मिनट चले जाना, आपको फिर आपका 50% रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरा ठीक है, हम वहाँ गए, उनसे मिले, 15 मिनट बैठ के बात किए और उनको पूरा इंडिया के बारे में बताया, एमएमए के बारे में बताया और इंडिया में क्या क्या है, इतना सब बोलने के बाद में 15 मिनट के टाइम को उन्होंने 4 घंटा मेरे साथ में मिला और वहीं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और रेडी हो गया, ओके हो गया। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं इंडिया होगा तो मुझे ताजमहल देखना ज़रूरी है। बोला ठीक है, वो इंडिया आए, ताजमहल देखे, लास्ट में जाते वक्त बोले कि मोहम्मद अली आई वॉज रॉन्ग, इंडिया इज नॉट थर्ड वर्ल्ड कंट्री। क्या बात है, कई बार होता है हम अपने मन में कोई परसेप्शन बना लेते हैं बिना देखे, तो इससे हमें साथियों ये सीख मिलती है कि जब तक आप खुद कोई एक्सपीरियंस ना करें, अपने मन में कोई धारणा ना बनाएं। एंड ऑफ द डे ही इज अ वेरी नाइस मैन। या वेरी नाइस मैन, लवली मैन एंड वेरी डाउन टू हार्ट मैन। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अन्ना बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए। थैंक यू बुधवानी साहब, थैंक यू रितु, थैंक यू महावीर सर, थैंक यू खली भाई, और इस शो के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। ये माइक टेसन का साइन किया वो ग्लव्स है। अच्छा जी, तो मैंने आपके लिए एक सुविनर बना के लाया। अरे वाह वाह, क्या बात है, वाओ, थैंक यू बुधवानी साहब, सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ये तो यार क्या ही बात है, थैंक यू, थैंक यू, मजा आ गया। सो गाइस, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।